जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार्ट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवल वुमन वर्सेस मैनचेस्टर वुमन द 100 मैच रिव्यू के बारे में। तो बिना देरी के यहाँ वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच कनिंगटन ओवल लंदन के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन रात के 11 बजे स्टार्ट होगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो दोस्तों, मैं क्या करूँगा आपको बताया। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, जिसके ऊपर पहले से 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। अब दोस्तों पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इस वेन्यू के ऊपर ना लास्ट वुमेन्स का लड़कियों का T20 मैच कब खेला गया था, ये खेला गया था 18 अगस्त 2018 को, जो खेला गया था वेस्टर्न स्ट्रोम वर्सेस सरी स्टार्स के बीच में। तो अपन इस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों आपको ध्यान देना है, जो पिच रहेगी ना वो यहाँ पर न्यू रहेगी, फ्रेश रहेगी, यहाँ पे बैट्समैन और बॉलर्स को दोनों को बराबर की मदद मिलेगी। और इस वेन्यू के दोस्तों स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली वुमेन्स के मैचेस के अंदर। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको नीचे पता चलेगा स्टैट्स देखते टाइम, ठीक है। और एक और आपको बात ध्यान रखनी है कि दोस्तों होमग्राउंड है किसका, ओवल वुमन का। इस वेन्यू को दोस्तों जिस टीम ने बैट फर्स्ट करा था ना, 2 मैचेस जीते हैं आउट ऑफ लास्ट 5 गेम्स। और जो टीम दोस्तों पे चेस करती है 3 मैच जीती है आउट ऑफ लास्ट 5 गेम्स। एवरेज स्कोर आपको करीबन दोस्तों 120 to 150 बनता दिखेगा। आपको बताया दोस्तों 100 के अंदर क्या होता है कि एक टीम को 100 बॉल मिलती है, तो उसके अंदर कम से कम दोस्तों 120 तो बनाना ही पड़ेगा अगर आपको टारगेट को डिफेंड करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लास्ट 2 मैचेस के अंदर इस वेन्यू के ऊपर क्या हुआ है। तो पेसर्स ने, मतलब तेज गेंदबाजों ने, 5 विकेट निकाले। पहली पारी के अंदर 1 विकेट है दोस्तों, दूसरी पारी के अंदर पेसर्स ने 4 विकेट निकाले हैं। अब देखो किस टाइप के बॉलर्स विकेट निकालते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आर्म पेसर्स ने 5 विकेट निकाला, लेफ्ट आर्म पेसर्स ने दोस्तों यहाँ पे 0 विकेट निकाले हैं। वहीं अब बात करते हैं दोस्तों स्पिनर्स की। तो यहाँ पे स्पिनर्स क्यों दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपको ध्यान देना है। देखो लास्ट 2 मैचेस के अंदर स्पिनर्स ने 12 विकेट निकाले हैं, दोस्तों स्पिनर्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पे लिखा आपके लिए। तो देखो पहली पारी के अंदर 7 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर 5 विकेट है। अब देखो किस टाइप के स्पिनर्स दोस्तों यहाँ पे विकेट निकालते हैं। ऑफ स्पिनर 7 विकेट है, लेग स्पिनर 4 विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स में दोस्तों 1 विकेट है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर स्पिनर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखो जो लास्ट मैच हुआ था यहाँ पे कौन सा, 18 अगस्त 2018 को वुमेंस का दोस्तों यहाँ पे लास्ट मैच हुआ था वेस्टर्न स्ट्रोम वर्सेस सरी स्टार्स के बीच में। तो उस मैच के अंदर यहाँ पे 2 विकेट पेसर्स ने निकाला था और दोस्तों यहाँ पे 6 विकेट है स्पिनर्स ने निकाला था। और आपको एक और बात बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पर ना मेंस के अभी हाल ही के अंदर 2021 के अंदर विटालिटी T20 ब्लास्ट के मैचेस हुए थे, ठीक है। उसके अंदर भी दोस्तों यहाँ पर कनिंगटन ओवल के अंदर स्पिनर्स ने डोमिनेट करा था। तो आपको बस ये ध्यान रखना है स्पिनर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, थोड़े से अधिक महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पे क्लाउडी वेदर रहने वाला है, आप खुद दोस्तों गूगल के ऊपर जाके वेदर फोकास चेक कर सकते हो। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ वीडियो बनाने से पहले वेदर फोकास दोस्तों हमेशा चेक करता हूँ मैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर यह मैच ना इंग्लैंड के टाइम के अनुसार 5 बजे स्टार्ट होगा, 5:30 बजे के आसपास, ठीक है। आपको बताइए इंग्लैंड दोस्तों अपने से 5.5 घंटे पीछे है, -5:30, ठीक है, यह ध्यान देना है, मीन 5.5 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बजे के आसपास ना कहाँ पर कनिंगटन ओवल के अंदर थोड़ी सी बारिश की दोस्तों आशंकाएं दिखेंगे। पर आपको एक और खुशखबरी दूंगा कि यहाँ पर ना मैच 1 घंटा डिले हो सकता है, लेकिन उसके बाद दोस्तों मैच होगा। देखो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सनी वेदर हो जाएगा 7 बजे के आसपास इंग्लैंड के टाइम के अनुसार। तो मैच दोस्तों आपको यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। अब वीडियो को दोस्तों लाइक करके स्टार्ट करना है, पहला वीडियो दोस्तों 100 का आपके लिए दोस्तों लेके मैं हाजिर हूँ यहाँ पर पूरी शिद्दत से दोस्तों, हर चीज़ को अपने यहाँ पर कवर करेंगे। लाइक करके स्टार्ट करना है दोस्तों, एक पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड करनी है। और मैंने आपके लिए दोस्तों एक वीडियो बनाया था, कितने लोगों ने दोस्तों देखा था कमेंट करके बताना, 100 के नए रूल्स इन हिंदी मैंने आपको वीडियो बना के दिया था। तो आप पहले जाके वो देखना, तब दोस्तों आपको पता रहेगा ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ना 100 करके, इसके रूल्स क्या हैं। कैसे देख सकते हो आप, यूट्यूब पे होता हूँ, क्या सर्च करना, रूल्स ऑफ द 100 इन हिंदी स्टैट्स गुरुजी लिख देना आप आखिरी के अंदर, ठीक है। तो आपको दोस्तों सबसे टॉप पे मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो आपको ब्रीफली समझा भी देता हूं मैं क्या रूल्स है दोस्तों यहां पर। दोस्तों देखो यहां पर मेन फंडा क्या है इसके अंदर, आपको होता है जो टीम बैट फर्स्ट करेगी उसको 100 बॉल मिलेगा। अब वो कितने भी रन बनाए दोस्तों उनके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी टीम को दोस्तों यहाँ पे 100 बॉल के अंदर वो टारगेट चेस करना पड़ेगा, एकदम सिंपल रूल है। और 10 बॉल के अंदर यहाँ पे दोस्तों बॉलिंग एंड चेंज होगा। अपन क्या देखते थे T20 के अंदर क्या होता था, 6 बॉल के बाद दोस्तों एंड चेंज होता था, ऐसे यहाँ से एक बार 6 बॉल के बाद यहाँ पे फिर यहाँ से बॉलिंग कराते थे, स्ट्राइक चेंज होती थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 10 बॉल के बाद होगा, ऐसा रूल है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक बॉलर दोस्तों
T20 के अंदर एक ओवर में 6 बॉल डाल सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बॉलर या तो 5 बॉल डालेगा या तो दोस्तों 10 बॉल डालेगा, वो कैप्टन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर दोस्तों बॉलर बहुत अच्छे फॉर्म में है, वहाँ पे लगता है दोस्तों उसने विकेट्स निकाल लिए, तो वहाँ पे लगातार 10 बॉल भी कराया जा सकता है। एक बॉलर मैक्सिमम 100 के अंदर 20 बॉल डाल सकता है और T20 के अंदर 24 बॉल डालता था, 25 ओवर का पावर प्ले रहेगा बस, ये इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ की बात करते हैं तो आपको ध्यान रहेगा दोस्तों, जो ओवल करके टीम है ना, ओवल वुमेन, ये दोस्तों मेनली सरी की टीम है। मैनचेस्टर किसकी टीम है? लैंकेशायर की टीम है, बस नाम बदला गया दोस्तों। ओवरसीज प्लेयर कौन कौन से है ओवल के? तीनों साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, डेन वन, नाइक्रिक, मर्जीने कैप, शबनमल इस्माइल। मैनचेस्टर की बात करते हैं, ओवरसीज प्लेयर हरमनप्रीत कौर, लेजेंडरी प्लेयर ऑफ इंडिया लिजिली, मिगनन डुप्रीज। बात करते हैं दोस्तों लाइनअप्स की, तो यहाँ पे ओवल की तरफ से कैप्टनसी करी है डेन वन नाइक्रिक, कन्फर्म हुआ दोस्तों ये एक दो दिन पहले। ओपन करेंगी जॉर्ज एडम्स, फ्रान विल्सन, हो क्या सकता है दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है, फ्रान विल्सन के बदले दोस्तों सारा ब्राइस ओपन कर ले और सारा ब्राइस के बदले फ्रान विल्सन दोस्तों नीचे जाए, तो दोनों का बैटिंग ऑर्डर स्वैप हो सकता है, मतलब अल्टी पल्टी हो सकता है, समझ रहे हैं दोस्तों हिंदी के अंदर एकदम शुद्ध भाषा में बताया आपको मैंने। अलायंस कैप्सी वन डाउन आनी चाहिए। डेन वन नाइक्रिक दोस्तों ओवरसीज प्लेयर ऑफ साउथ अफ्रीका, लेग स्पिनर है, राइटी बैट्समैन, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। ओवरसीज प्लेयर मर्जीने कैप, ये दोस्तों राइटी बैट्समैन, राइटर मीडियम। सारा ब्राइस दोस्तों स्कॉटलैंड की प्लेयर है, ये लेकिन ओवरसीज प्लेयर में नहीं आती है क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलती है, क्लब क्रिकेट। राइटी बैट्समैन है, विकेट कीपर जो गार्डनर, टॉप स्पिनर राइटी बैट्समैन, मैडी विलियर्स ऑफ स्पिनर है, टैश फरान दोस्तों लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, ग्रेसी गिब्स राइट आर्म फास्ट मीडियम है, शबनमल इस्माइल राइट आर्म फास्ट मीडियम है। अब देखो दोस्तों जिसके आगे मैंने ब्लैक डॉट मारा है ना, ये क्यों मारा है, कुछ तो लॉजिक रहेगा ना, ऐसे थोड़ी मारूंगा मैं, इसका लॉजिक बताऊँ क्या है। जिसके आगे भी ब्लैक डॉट मारा है ना, इसका मतलब दोस्तों वो नेशनल प्लेयर है, इंग्लैंड के लिए खेल चुकी है, इंग्लैंड कंट्री को रिप्रेजेंट कर चुकी है, या तो ODI के अंदर, या तो T20 के अंदर, तो टेस्ट मैचेस के अंदर। तो फ्रान विल्सन दोस्तों इंग्लैंड को रिप्रेजेंट कर चुकी है, ये भी कर चुकी है, मेडी ब्लेड्स ऑफ टैच फ्रंट भी। अब देखो प्रमुख गेंदबाज कौन हो सकता है दोस्तों, आपको पता है इस लीग के अंदर 20 बॉल डाल सकता है एक बॉलर मैक्सिमम, तो देखो यहाँ पे कौन डालेगा, मर्जीना कैप, टैच फ्रंट, शबनमल इस्माइल, ये दोस्तों तीन सबसे प्रमुख गेंदबाज है। चलते हैं आप किसकी तरफ है, डेनिला ग्रिगोरी भी खेल सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी लेग स्पिनर है। मैनचेस्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे कैप्टनसी करी है कैट ग्रॉस, ओपनिंग करेंगे लीजिली MLM के साथ, जॉर्जो बॉयस, फिर आएंगे दोस्तों ऐसे हरमनप्रीत कौर, मिगनन डुप्रीज, नटालिया ब्राउन, एक्लेस्टोन, कैट ग्रॉस, लॉरा जैक्सन, अलाइज डायसन, एलेक्स हार्टली। इंग्लैंड के लिए कौन कौन खेल चुका है, सोफी जी, कैट क्रॉस, एलेक्स हार्टली। अब ध्यान देना है कि दोस्तों यहाँ पे प्रमुख गेंदबाज कौन हो सकता है, MLM हो सकती है, ऑफ स्पिनर है, एक्लेस्टोन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, कैट क्रॉस यहाँ पे दोस्तों राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, एलेक्स हार्टली लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, ये दोस्तों प्रमुख गेंदबाज रहेंगे। तो उनका स्पिन डिपार्टमेंट दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पेसर में दोस्तों सिर्फ एक दो पेसर्स इनके पास, एक तो अलाइज डायसन लग रही है, कैट ग्रॉस लग रही है दोस्तों मेरे को। तो चलते हैं आप एक इसकी तरफ, ये रिसेंट फॉर्म है इनका, रिसेंट फॉर्म दोस्तों आप कैसे पता कर सकते हो, यहाँ पे हाल ही के अंदर ना चार लोटे एडवर्ड्स T20 लीग भी थी, जैसे विटालिटी T20 ब्लास्ट हुई थी ना मेंस की, जिसके अंदर लैंकेशायर की टीम खेलती थी, वॉरचेस्टर खेला करती थी दोस्तों, नॉटिंगहमशायर जिसके अंदर एलेक्स हेल्स वगैरह खेलते हैं, जैसा एक वुमेंस का टूर्नामेंट होता है चार लोटे एडवर्ड्स T20 लीग, इसका रिसेंट फॉर्म बताऊंगा, प्लस दोस्तों हर प्लेयर का T20 का स्टैट्स बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। तो देखो ओवल की बात करते हैं तो जॉर्ज एडम्स ओपन करेंगी, 36 मैचेस के अंदर 19 के एवरेज है, 410 रन है, हाईएस्ट 58 है, 30+ 4 बार है। रिसेंट फॉर्म देखो इसका, हाल ही के अंदर चार लोटे एडवर्ड्स T20 लीग के अंदर अभी हुई थी हफ्ते भर पहले, 59-37-2, तो तीन मैचेस के अंदर कुल मिलाकर 98 के आसपास रन है, तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस अपन कह सकते हैं यहाँ पर। फ्रान विल्सन आएंगे यहाँ से, 95 मैचेस के अंदर 24 की एवरेज है, इंटरनेशनल प्लेयर है इंग्लैंड की, 1300 रन है, हाई 61 नॉट आउट है T20 के अंदर, 30+ 14 बार करा है, बैट फर्स्ट 21, बैट सेकंड 25 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म देखो इसका, ODD के अंदर मतलब 50 ओवर के मैचेस के अंदर 6-50-10 करा था, और ये हाली के अंदर स्क्वाड के अंदर थी जो सीरीज हुई थी इंडिया वुमेन वर्सेस इंग्लैंड वुमेन की, पर एक भी मैच में उनको खेलने का चांस नहीं मिला। एलाइस कैप से आएंगे दोस्तों यहाँ से, ये अभी तक हायर लेवल पे T20 मैचेस नहीं खेली है, लेकिन दोस्तों जब मैं उसको खेलते हुए देखा था, वीडियोस मैंने देखे थे, मैंने आपको बताया पिछली बार भी कवर करा था चार्लोट एडवर्ड्स T20 लीग, तो वहाँ पे दोस्तों ये पता लगा कि प्लेयर बहुत कड़क है। अलेक्स कैप्सी अटैक करके खेलती है, डाउन द ट्रैक अच्छे शॉट्स मारती है, प्लस दोस्तों बॉलिंग बहुत अच्छी कराती है। रिसेंट फॉर्म देखो T20 के अंदर 29+ 0 विकेट है, 13+ 3 विकेट है, 21 रन प्लस 0 विकेट है, तो हर बार तेज गति से रन बनाए। डेन वन नाइक्रिक आएंगे दोस्तों यहाँ से, 182 मैचेस के अंदर 24 की एवरेज है, 3200 रन है, हाईएस्ट 91 है, 30+ 37 बार करा है, 169 विकेट्स हैं, बैट फर्स्ट 22, बैट सेकंड 27 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म क्या है, रिसेंट फॉर्म दोस्तों आपको बताऊँ ना, तो उन्होंने 2020 के अंदर
बिग बैश लीग खेला था सिडनी सिक्सर्स के लिए अक्टूबर नवंबर के टाइम पे यार, मतलब बहुत टाइम हो गया इनको क्रिकेट खेले वैसे तो, थोड़ा रेस्ट ले रही थी। फिर आएंगे यहाँ से मर्जी ने कैप 196 मैचेस के अंदर 20 की एवरेज है, 2222 प्लस रन है, हाई 68 नॉट आउट है, 30+22 बार करा है, 179 विकेट्स है, बढ़िया परफॉर्मेंस है। बॉल फर्स्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 83 में 83 विकेट्स है, बॉल सेकंड के अंदर 112 में 96 विकेट्स हैं। रिसेंट फॉर्म देखो इसका, पाकिस्तान वुमन के अगेंस्ट में कैसा परफॉर्मेंस रहा इसका, लास्ट टाइम इन्होंने यही रिसेंटली एक T20 मैच खेला था पाकिस्तान के अगेंस्ट में, 1 रन 0 विकेट है, 11 रन 1 विकेट है, 28 रन 3 विकेट है, तो 3 मैचेस के अंदर इसके कुल मिला के 4 विकेट थे और अपन कह सकते हैं 40 रन थे। सौरभ राइस आएंगे यहाँ से, ये दोस्तों अच्छी प्लेयर है, मैं इनको ओपन कराना चाहता था दिल से कहूँ ना, पर दिक्कत क्या है, रिसेंट फॉर्म दोस्तों बहुत ख़राब है। रिसेंट फॉर्म देखो सबसे पहले 1 रन 3 रन 6 रन चार्लोट एडवर्ड्स T20 लीग के अंदर ओपन करते हुए, और इसने ना स्कॉटलैंड वर्सेस आयरलैंड की जो इंटरनेशनली T20 के वुमेंस के मैचेस हुए थे उसके अंदर 8 रन 10 रन 2 रन 14 रन करा था और 14 रन पर रनआउट भी हुई थी ये, और T20 करियर के अंदर देखो बढ़िया परफॉर्मेंस यार, इम्पैक्टफुल नॉक्स है, 35 मैचेस के अंदर 11 बार चली है, 30+ स्कोर है 11 बार, 750 रन है, हाई 65 है, 20 रन की एवरेज है, बढ़िया परफॉर्मेंस। लेकिन दोस्तों फॉर्म अच्छा नहीं है इसलिए कंसर्न नहीं कर रहे अपन ज़्यादा। जो गार्डनर 12 में 21 के एवरेज है T20 में, 144 रन, हाई 55 है, 30+ 2 बार कर रहा है, 8 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 42 रन 0 विकेट है, बैटिंग नहीं आई 0 विकेट है। ग्रेसी गिब्स 16 मैचेस के अंदर 4 विकेट है, 24 रन है। इसने दोस्तों बैटिंग तो 4 पारियों में करी है और बॉलिंग सिर्फ 6 पारियों के अंदर कराई है, तो 6 पारियों में 4 विकेट है, तो बढ़िया परफॉर्मेंस है वैसे तो। रिसेंट फॉर्म देखो 2 रन 0 विकेट है, 33 रन 0 विकेट है, 11 रन 0 विकेट है। दोस्तों भी अटैक करके खेलती है, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है, विद द बैट अच्छा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे अगर बैटिंग आती है तो, विद द बॉल पता नहीं दोस्तों इनको बॉलिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं डी विलियर्स 31 मैचेस के अंदर 25 विकेट है, बॉल फर्स्ट 14 मैचेस में 5 विकेट, बॉल सेकंड के अंदर 24 मैचेस में 20 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 36 रन 10 रन 0 विकेट 1 विकेट और 0 विकेट है। तेज फरहान का दोस्तों 49 मैचेस के अंदर 51 विकेट्स है। रिसेंट फॉर्म देखो इसका, ODD के अंदर जो मई जून के अंदर टूर्नामेंट होता 50 ओवर के मैचेस हुए थे, रेचल फ्लिन ट्रॉफी भी थी उसके अंदर 5 विकेट 4 विकेट 0 विकेट है। शबनमल इश्माइल का 135 मैचेस के अंदर 147 विकेट्स है। इश्माइल दोस्तों ऐसे टूर्नामेंट का सही तरीके से कहूँ मैं आपको, फर्स्ट इनिंग्स के अंदर 76 मैचेस में 87 विकेट्स है, सेकंड इनिंग्स के अंदर 61 के अंदर 60 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 1 विकेट 3 विकेट अगेंस्ट इंडिया। मैगन बेल्ट 7 मैचेस के अंदर 11 विकेट है, लास्ट टाइम इसने कोई मैच खेला तो खेला था 11 सितंबर 2020 को। डेनिला ग्रिगोरी दोस्तों बहुत अच्छी लेग स्पिनर है, इकोनॉमी अच्छी रहती है, विकेट्स निकालती है। रिसेंट फॉर्म देखो अभी हाल ही के अंदर चार्लोट एडवर्ड्स T20 लीग के अंदर 3 मैच में 2 विकेट था। ईवा ग्रे इंपॉर्टेंट नहीं लगी, लास्ट टाइम 11 सितंबर में खेला था 2020 के अंदर। स्टार्टिंग ओवर शबनमल इश्माइल, टैश फ्रांट, मजराइना कैप, डेथ में दोस्तों ये आएंगी। मैनचेस्टर की बात करते हैं तो आपको ध्यान देना है लीजली का कैसा परफॉर्मेंस है यहाँ पर, 165 मैचेस के अंदर 26 की एवरेज है, 4000+ रन है, हाई 104 है, 30+50 बार करा है। रिसेंट फॉर्म देखो 12 रन 70 रन 8 रन इंडिया के खिलाफ में, उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ में 6 और 22 रन था इस साल। इम्बालैम्ब 37 मैचेस के अंदर 15 की एवरेज है, 449 रन है दोस्तों, प्लेयर कड़क है, हाइस्ट 45 है, 30+4 बार करा है, 25 विकेट है। रिसेंट फॉर्म देखो, सेंचुरी रेडी थी हाल ही के अंदर, हफ्ते भर पहले, 2 हफ्ते भर पहले, ठीक है, 111 रन 3 विकेट T20 के अंदर दोस्तों, जो भी 21 रन 1 विकेट है, 58 रन 4 विकेट है, दोस्तों आप देख सकते हो कुल मिलाकर इनकी 8 विकेट है 3 मैचेस के अंदर और 170-180 के आसपास रन है। तो आपसे कहूँ दोस्तों, ईमा लैम्ब ना, आपको पता है ये डैनी लैम्ब की बहन है, कुछ लोगों को पता नहीं रहेगा, मैनचेस्टर की जो टीम है ना, कौन सी एक और आपने सुना रहेगा उसका नाम क्या है, लैंकशायर, जो मेंस की टीम है उसके अंदर दोस्तों डैनी लैम्ब खेलते हैं, उसकी बहन है, सिस्टर है ईमा लैम्ब, दोनों दोस्तों बहुत बढ़िया खेल रहे हैं क्रिकेट इस टाइम पे। जॉर्जिया बॉयस 22 मैचेस के अंदर 16 की एवरेज है, 309 रन है, हाई 65 है, 30+4 बार रहा है। रिसेंट फॉर्म 34 रन 2 रन 0 रन, स्ट्राइक रेट 90 और 80 के आसपास रहता है, तो इतना खास नहीं है स्ट्राइक रेट। हरमनप्रीत कौर 180 मैचेस के अंदर 30 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म दोस्तों बहुत अच्छा था, आपने देखा था इन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, अभी हाल के अंदर 36-31-1 है। और अपन दोस्तों बात करते हैं ना पूरे वर्ल्ड के अंदर T20I के अंदर सबसे ज़्यादा रन किसके हैं, तो दोस्तों हरमनप्रीत कौर के हैं, ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। 180 मैचेस के अंदर 30+56 बार कराया इसने T20 के अंदर। मेगन डुप्रीज 199 मैचेस के अंदर दोस्तों इनका 200वां मैच रहेगा। मेगन डुप्रीज का 24 की एवरेज है, 3500 रन है, हाइस्ट 88 है, 30+49 है और बैट फर्स्ट 23, बैट सेकंड 26 की एवरेज है। रिसेंट फॉर्म दोस्तों इतना खास नहीं है, इंडिया के खिलाफ 10 नॉट आउट है, एक बार बैटिंग नहीं आई, पाकिस्तान का अगेंस्ट 24 नॉट आउट 15 है, बैटिंग नहीं आई। नटाला ब्राउन 22 मैचेस के अंदर 10 विकेट 132 रन है। रिसेंट फॉर्म 25 रन 1 विकेट है T20 के अंदर। ODD के अंदर 6 रन था, 24 रन था, 7 रन था, 8 रन था।
एक्लेस्टोन दोस्तों वर्ल्ड के अंदर T20I की नंबर वन बॉलर है, एज सिर्फ 24 के आसपास है, अभी दोस्तों इतने बड़े कारनामे कर चुकी हैं मेरे हिसाब से दोस्तों क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर रूल करेंगी। 84 मैचेस के अंदर 115 विकेट्स है, T20 करियर के अंदर 205 रन से बैटिंग करना जानती है। रिसेंट फॉर्म 3 मैचेस में 3 विकेट है, बॉल फर्स्ट के अंदर 34 मैचेस में 41 विकेट्स है, वहीं दोस्तों बॉल सेकंड के अंदर 51 मैचेस के अंदर 77 विकेट है। कैट ग्रॉस आएंगे यहाँ से, 72 मैचेस में 49 विकेट्स है T20 करियर के अंदर, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट है, और ये इन्होंने निकाला था चार्लोट एडवर्ड्स T20 लीग के अंदर। अगेंस्ट इंडियंस ने ODI के अंदर क्या करा था, 1 विकेट 5 विकेट 1 विकेट है। लॉरा जैक्सन दोस्तों हायर लेवल पे नहीं खेली है, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट है, 12 रन 7 रन 0 विकेट है। अलाइस डाइसन 11 रन 4 विकेट है। एलेक्स हार्टली 49 मैचेस के अंदर इसका T20 करियर के अंदर 47 विकेट्स है, रिसेंट फॉर्म दोस्तों बहुत खराब है, अभी तक इसने 3 है चार्लोट एडवर्ड्स के T20 लीग के लिए, जिसमें 3 मैचेस के अंदर विकेट लग गई थी। बॉल फर्स्ट 20 मैचेस के अंदर 21 विकेट है, बॉल सेकंड 29 में 26 विकेट्स है। बेंच के ऊपर आएंगे दोस्तों हेनन जोन्स, लास्ट टाइम 2019 के अंदर खेला था उन्होंने, वैसे तो दोस्तों लॉजिकली आनी चाहिए प्लेइंग 11 के अंदर, लेकिन दिक्कत क्या है, ये दोस्तों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, वैसे दोस्तों टीम के अंदर इतने सारे स्पिनर्स भरे पड़े हैं तो इनको कहाँ से लेगी टीम। कॉर्डिला ग्रिफ्ती खेल सकती हैं, 12 मैचेस के अंदर 12 की एवरेज, 144 रन्स है, 31 है। रिसेंट फॉर्म देखो दोस्तों बढ़िया था, 34 इन T20, ODI के अंदर 33-0-22-9, ये दोस्तों खेल सकती हैं किसके बदले, ये खेल सकती है नटालिया ब्राउन के बदले, हाई चांसेस दोस्तों लग रहे हैं मेरे को, खिलाना चाहिए उनको, वैसे तो बढ़िया प्लेयर है। डैनियल कॉलिंस का दोस्तों आप देख सकते हो, इसका भी देख सकते हो, स्टार्टिंग में कैट ग्रॉस डालेंगी और सोफिया एक्लेस्टोन, एलेक्स डाइसन, डेथ ओवर में दोस्तों ये आएंगी, एक एलेक्स हार्टली आ सकती हैं जो मुझे लग रहा है, जब देखो स्वेनिक और मैचेस में तब क्या दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स है, हर चीज़ दोस्तों अपन इन डेप्थ के अंदर गौर करते हैं। जॉर्ज एडम्स यहाँ पे नहीं खेली है, फ्रॉन विल्सन 28 बैट फर्स्ट 0 वाइल चेसिंग, डेलमन नेगरी का 29 बैट फर्स्ट 25 वाइल चेसिंग, 1 विकेट 2 विकेट है। और इंग्लैंड के अंदर डेनवन लाइक्रेक ने 35 मैचेस में 22 की एवरेज रखी है, 700 रन है, 39 विकेट्स है। मर्जीना कैप 6 मैचेस के अंदर 38 की एवरेज है, 114 रन 3 विकेट है। इंग्लैंड के अंदर 42 मैचेस के अंदर 24 की एवरेज है, 550 रन है, 31 विकेट है। और इसने बैट फर्स्ट करते हुए 48-4 करा है सोनी के पर, और बैट सेकंड 48-9-5-0। सारा बड़ा साइंगे दोस्तों ऐसे क्षमा जाता हूँ दोस्तों, मैं जुकाम हो चुकी है बारिश के अंदर दोस्तों, भीग गया था मैं 2-3 दिन पहले, उसका दोस्तों असर है, तो भी वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ आपको हर चीज़ कवर करूँ। इंग्लैंड की बात करते हैं तो यहाँ पर किसकी, सारा प्राइस की, इंग्लैंड के अंदर इसने 8 मैचेस खेले हैं, 191 रन है, 27 की एवरेज है, इस वैनिक ऊपर नहीं खेला है। ग्रेसी गिब्स का दोस्तों इस वैनिक ऊपर 4 मैच में 0 विकेट है, 9 रन विद द बैट है। मैडी विलियर्स का 2 मैच के अंदर 0 विकेट है, शबनम एलिश्वाल का 1 मैच में 0 विकेट है, इंग्लैंड के अंदर 18 मैचेस में 20 विकेट है, ईवा गिरे का 2 मैच में 0 विकेट है। मैनचेस्टर की बात करते हैं, मेवानी टीम है, लीजिली बेहतर बैट फर्स्ट 42 वाइल चेसिंग, 1 वाइल चेसिंग 0 वाइल बैट फर्स्ट। इंग्लैंड के अंदर 40 मैचेस के अंदर 900 रन 23 की एवरेज है। हिमालैम 0 रन प्लस दोस्तों विद द बॉल इंप्रेस करा, 3 विकेट निकाल डाले इसने। जॉर्जिया बॉयज का 1 मैच के अंदर यहाँ पे कोई रूल नहीं था, बैटिंग नहीं आई थी इसकी, वरना परफॉर्मेंस देती थोड़ा बहुत। तो हरमनप्रीत कौर यहाँ पे 34 नॉट आउट वाइल चेसिंग, इंग्लैंड के अंदर दोस्तों 30 मैचेस के अंदर 611 रन 24 की एवरेज है। मिगरन डुप्रीस इंग्लैंड की कंडीशंस के अंदर 42 मैचेस खेल चुकी है, T20 के अंदर 26 की एवरेज है, 820 रन है। नटालिया ब्राउन नहीं खेली है, एक्लेस्टन का दोस्तों सोनी के ऊपर 1 मैच में 0 विकेट है, बॉल फर्स्ट करते हुए ये बड़ी प्लेयर है, इसमें नहीं जाना आपको। कैट ग्रोस का यहाँ पर 1 विकेट है, 20 रन दिया था 24 गेंद के अंदर। एलेक्स हार्टली का दोस्तों यहाँ पर 5 मैचेस के अंदर 9 विकेट है, बढ़िया परफॉर्मेंस है, बॉल फर्स्ट 6 बॉल सेकंड 3 विकेट है, और 1 मैच के अंदर विकेट लग गई है। कॉर्डिलिया ग्रिफ्तिस का देख सकते हो 1 मैच में 7 रन बैट सेकंड करते हुए, एलिया टेलकेल्ट करके 1 मैच के अंदर 0 रन है। कॉमन कैप्टन डैनवन नाइक्रिक, इमा लैम्ब, बड़ी लीग्स में उसको बनाया दोस्तों, बनाया डैनवन नाइक्रिक को, इमा लैम्ब को, मर्जेना कैप को, लीजिली 4 दोस्तों MVP प्लेयर्स, उसमें से तो 3 तो आपको साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स दिखेंगे, ठीक है, देख लो लीजिली, डैनवन नाइक्रिक, मर्जेना कैप, तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर्स दोस्तों। अलग जाना है एक्लेस स्टोन इस्माइल जी के साथ जा सकते हो, बॉल फर्स्ट करती है, तो हरमनप्रीत कौर। वीडियो पसंद दोस्तों लाइक करके जाना, या फिर दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर दोस्तों आपको चीज़ें पसंद आती है, अपन इन डेप्थ का हर चीज़ कवर करते हैं दोस्तों, आप जानते ही हो, वीडियो को लाइक करके जाना है, बात करेंगे टीम्स की। तो यहाँ पे मेरी कैप्टन है डैनवन नाइक्रिक, वाइस कैप्टन दोस्तों से मजरीन कैप को कर रखा है, पर दोस्तों डैनवन नाइक्रिक ना लास्ट ईयर फॉर्म में नहीं थी, मैं आपको पहले बता दूँ। फ्रान विल्सन, बॉयस, एडम्स, लीजिली, ग्रेसी गिब्स, यहाँ से दोस्तों मैंने शबनम इस्माइल को ड्रॉप कराया, वो थोड़ा सा रिस्की है दोस्तों, क्रेडिट मैनेज नहीं हो पा रहा था, मैंने दोस्तों आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे जेम एडम्स के बदले ना, क्या आप देख रहे हो किसी और को भी पिक कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ से कॉलिडिया ग्रिफ्टिन दिखेंगी, या फिर दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने दोस्तों यहाँ पर ये कर रखा है, ठीक है, आप यहाँ पे इसको लेके फिर यहाँ पे ए डाइसन को ले सकते हो, भी दोस्तों बहुत अच्छी टीम बनेगी, अगर आप ये ट्राई कर सकते हो दोस्तों ये भी ट्राई कर लेना, बहुत बेटर टीम है, मेरे सबसे फाइनल टीम यही होगी। अब देखो अलग क्या करना है, अलग रहना है दुनिया से, तब दोस्तों टॉप के ऊपर आप रहोगे, वरना दोस्तों नीचे रहोगे,
अलग रहना है, रिस्क लेने से नहीं डरना है। लिजिली दोस्तों एमवीपी प्लेयर है, लेकिन कभी कभी चलते इनका दिन होता है तब। सारा बड़ा दोस्तों फॉर्म में नहीं है, लेकिन बहुत ही बेटर प्लेयर है। फॉर्म में दोस्तों आते हुए टाइम नहीं लगता, मैं कहूँगा दोस्तों बहुत बेटर प्लेयर है, फॉर्म में नहीं है बस। मैगन डुप्रीस थोड़ा सा दोस्तों दिक्कत है, नीचे खेलती हैं, रिसेंट फॉर्म अच्छा है, मैंने कहा दोस्तों खराब है, बढ़िया प्लेयर है, टेक्निकल साउंड बैट्समैन। फ्रॉन विल्सन दोस्तों टेक्निकल साउंड बैट्समैन, टॉप ऑर्डर में खेलेगी तभी लेना, नीचे खेले तो ड्रॉप कर देना। बॉयस ने दोस्तों इतना खास करा नहीं है रिसेंटली, वही कहूँगा बस खास करा नहीं है। हरमनप्रीत कौर ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकती है, हार्ड हिटर बैट्समैन है ये दोस्तों, अगर टॉप में खेलेंगे तो ट्राई करना। जय मैडम दोस्तों ओपन करेंगी, एलएस कैप्स दोस्तों खेलेंगे तो मेरी मस्ट पिक होंगी, अगर टॉप ऑर्डर में खेलती है तो, टॉप ऑर्डर में खेलेंगे तो मस्ट पिक। फिर आएंगे यहाँ से मजरेना कैप, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। ग्रेसी गिब्स दोस्तों आप ट्राई कर सकते हो, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, एकल उसमें इंपॉर्टेंट है। कैट ग्रोस दोस्तों एक इतनी खास प्लेयर नहीं है, 47 विकेट्स उसके T20 के अंदर 72 मैचेस के अंदर, तो इतना खास लगा नहीं, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो, कैप्टनसी करी है तो डेथ ओवर में बॉलिंग करा सकते हैं तो विकेट्स एक आध दो मिल सकते हैं। मैडी विलियर्स दोस्तों एक अच्छी स्पिनर है, शबनम विलियर्स दोस्तों डेथ ओवर में आएंगी, और यहाँ से एलेक्स हार्टली ग्रैंड लीग पे थे, और दोस्तों तैश फ्रंट तो ग्रैंड लीग के अंदर ट्राई जरूर करना है अगर ओवल बॉल फर्स्ट करती है तो। और दोस्तों कोई भी फर्दर अपडेट्स चाहिए आपको दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा मिल जाएगा। देखते रहे दोस्तों स्टार्ट गुरु जी लाइव दोस्तों, एक बार मिलती है, कुछ अलग करके जाना है दोस्तों, दुनिया को दिखाना है हम दोस्तों किसी से कम नहीं है, ठीक है। लाइफ के अंदर दोस्तों कुछ बड़ा करके दिखाना आपको, बस ये अपने आपसे वादा करना आपको, मुझसे मुझे दोस्तों सब पे आती लाइफ के अंदर, तो दोस्तों आगे बढ़ना है। दोस्तों जुकाम मेरी भी हो रही थी, मैं दोस्तों वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन दोस्तों मैंने बनाया है, मुझसे बताए दोस्तों सब पे आते, बस ये ध्यान रखना आपको, यू आर नॉट द अलोन। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, लव यू गाइस।